ये चेक करो गाइस, ये पता है गाइस किसने मुझे दिया था? ये मेरे सब्सक्राइबर ने दिया था, वो उसका पहले से इतनी बदबू आ रही है टी शर्ट में। कुछ भी यार, कुछ। सो गाइस, रात के 10 बज चुके हैं एंड फिलहाल में अभी मैं आया था बिंदल होटल चैन। मेरे भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस दिल से माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि यार ना मैं देख रहा हूँ मैं आजकल भाई ना एक दिन छोड़ के ब्लॉग पढ़ रहे हैं। बट यार करें भी तो करें क्या यार, बहुत ही ज्यादा काम भी आ जाता है। एंड दूसरी चीज भाई, आजकल पता है लाइट का थोड़ा सा उल्टा सीन हो रखा है, लाइट नहीं आ रही क्योंकि वो पेड़ वगैरह बांस वगैरह काटे थे ना, वो तार के ऊपर ही मतलब गिर गया था, तो जिस वजह से तार डैमेज हो गया था, तो लाइट ही नहीं आ रही है। पहले भी मैंने आपको बोला था, तो जिस वजह से हम अंदर तो सो नहीं पा रहे, पहले अलार्म लगा के वीडियो एडिटिंग वगैरह करते थे, तो बाहर सोना पड़ रहा है जिस वजह से अलार्म नहीं लगा पा रहे क्योंकि फोन वहां पे रख। अभी रुक जाओ यार, क्या कह रहे हो? पहले आप ही बता दो, चुम्मी अभी खेलेंगे यार। टूट गया था फोन, बाहर लेके सो नहीं पाता हूँ जिस वजह से चोर वगैरह उठा के ले जाएगा, जाहिर सी बात है। और साइकिल भी हमारी चुर चुकी थी एक, पहले नई साइकिल एक और भी थी जिससे मैं लंबी लंबी समझ रहा हूँ बहुत लंबी राइड मारा करता था, याद है तेरे को? अभी गाइस ना आपको ना बड़ी मस्त सी चीज दिखाता हूँ यार, निकालता हूँ। काफी टाइम से ये बैग नहीं खोला, सभी उल्टे सीधा सामान पड़ा हुआ है बैग के अंदर भी यार, ये बुक वगैरह किताबें वगैरह सभी पढ़ी हैं। बट अभी जो दिखाऊंगा ना वो देखना आप, ये चेक करो गाइस, ये पता है गाइस किसने मुझे दिया था? ये मेरे सब्सक्राइबर ने दिया था, वो मेरे भैया हैं जो काफ़ी टाइम, जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर थे ना तभी उन्होंने ये दिया था। आज तो फिर भी मेरे 13000 हो गए हैं। खोलना सनी, अनबॉक्सिंग करना आराम से, ये चेक करो भाई। सनी ने अनबॉक्सिंग कर दिया भाई, और तब से मैंने ना एक भी बार यूज़ नहीं है क्योंकि इसमें लड़ते हैं सेल, और सेल जब हमने डाले थे तब हम गांव चले गए थे, गांव में भी लाइट नहीं आ रही, तो यही लाइट का मतलब यूज़ किया था यार। दिखाऊँ सेल, यहाँ डालते हैं, देखो अभी सेल दिखाता हूँ। सनी खोलना इसे, एक हाथ से एक तो काम नहीं होता। और ये देखो भाई पूरा मतलब इसमें इतनी प्यारी आवाज़ आती है ना, और ये इतना महंगा भाई, 800 रुपये का मेरे सब्सक्राइबर ने दिला दिया था। आपको याद होगा सौरभ जोशी मांगा था, उन्होंने नहीं दिया था, मेरे सब्सक्राइबर है मतलब सौरभ भैया, तो उन्होंने मेरे को दिलवाया था। तो पता है अब क्या करते हैं गाइस, अपने नहीं खुला कोई नहीं, तो अपने अब लेके चलते हैं इसे, ये पूरा सेटअप नहीं लगा रहे अपने, ये सब साइड में रख देते हैं, इसे लेके चलते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते सनी, टूट जाएगा यार, ये बहुत महंगा है और इसे तो जिंदगी भर संभाल के रखूंगा। इसी से ब्लॉग शूट किया करेंगे यार आराम से मस्त। आप सभी लोग बोलते हो ना कि मतलब फोन हिलता है, इसमें मतलब लगा के फोन ज्यादा नहीं हिलेगा, वैसे मैं हिलाता नहीं हूँ बट फोन ही ज्यादा कैमरे को हिला देता, पता नहीं आई डोंट नो वीडियो कैसे हिलती है मुझे नहीं पता, फोन नहीं हिलाता हूँ मैं। बाकी लाइट नहीं आ रही जिस वजह से पसीने, चेक करो कितना पसीनी पसीना हो गया। चलो गर्मी नहीं लग रही है? लग तो बहुत रही है। देखो बेटा आज मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब चीजें मैंने ना ये को यूट्यूब की वजह से ही मिला है। यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर ने देखा तभी तो मेरे को दिया भैया ने, तो समझ रहे हो ना। अब वो मेरे को भाई जैसा मानते हैं, सोच जिन इंसान को हमने आज तक मिले नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, वो आज मुझे भाई जैसा मानते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं। और वही नहीं बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये दिया, सोच मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, एडसिन आ गया, ठीक है, और पब्लिक का इतना प्यार है, लोग तुम्हें सोचो अभी तुम जैसे ऐसी हालातों में रह रहे हो, तू भी रह रहा है, देख तेरे को लोग इग्नोर करते हैं। अच्छा तू दिल से बता दे, कोई इग्नोर करते नहीं है तेरे को लोग? हाँ देख लो भाई, मतलब जो मिडिल क्लास का बंदा होता है लोग उसे इग्नोर करते ही करते हैं, अगर तुम यूट्यूब पे काम करोगे तो बंदा तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो मतलब टोटल कहना मेरा भाई ये है कि लाइफ में तू इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत कर कि भाई अपनी मम्मी पापा की ख्वाहिशें पूरी कर सके, समझ रहा है ना। तो खाली टाइम जैसे अभी तेरी आज छुट्टी है, तू इधर उधर घूम रहा मत घूम भाई, आराम से भाई कुछ काम कर, माना कि तेरा पढ़ाई में, देख तेरी उम्र के जितने भी लौंडे किसी का भी जल्दी पढ़ाई मन नहीं लगता, ठीक है, मेरा भी नहीं लगता था पढ़ाई में मन, बट तू पता है क्या कर, तू आराम से मस्त छिल किया कर, और भाई अपना ऐसी जगह पे कर जाए, तू गेम बहुत खेला, गेम मत खेल भाई, गेम का चैनल बना ले, उल्टा गेम का चैनल बनाने, गेम खेल रहा है उसी की एक दो क्लिप बना और डाल दे बस, और डालते वक्त ना जो क्रेजी सा बोल रहे ना जितना अच्छा बोल सके उतना दिखा, वो कुछ फनी दिखा, ठीक है, पक्का तू भी वायरल है, करेगा ऐसा वादा कर? हाँ ऐसे ही हमेशा, तेरा भाई हमेशा सपोर्ट करेगा यार। हाँ तू क्या, तू कुछ कर पाएगी लाइफ में या नहीं? नहा के आई है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, लाइट आई नहीं आई आज, पसीना पैरिए नहा है। हाँ तो फ्री फायर की वीडियो डाल यार, मैं देख मैं अपने इतना बड़ा हो गया मैं कोई भी कुछ करता हूँ नहीं, देखिए उसी के टी शर्ट थे, उसका पहले से इतनी बदबू आ रही है टी शर्ट में। कुछ भी यार, खुशी तूने कभी मेरा ट्राईपॉड देखा था? ये अरे पहली बार देखा भैया, इसको कैसे यूज करते हैं? ये मेरे सब्सक्राइबर ने दिया था। हाँ गाना गा दे इसी बात पे। हाँ कैसे? हेलो गाइस, अच्छा कुछ नहीं बोल रहा है सनी, बोल रहा वाला रब्बा भाई को मैंने बोल दिया चैनल बना लो, सपोर्ट तो करूंगा यार, सपोर्ट हमेशा रहेगा। और मैंने पता इसे क्या बोल रखा है, मैंने तेरे को क्या बोल रखा है, 1 मिलियन पे क्या बोल रखा है तेरे को?
तुमने क्या बोला? वाली लाइफ में मैं तेरे को क्या दूंगा? अरे आईफोन दिलाओगे तो मुझे? हाँ भाई, मतलब मेरे को अपने लिए कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं, जितना भी चाहिए अपनी फैमिली के लिए चाहिए और आप सभी लोगों के लिए चाहिए, बस अपने लिए कुछ नहीं चाहिए यार। अपने लिए तो बस एक जरिया होता है। जब मेरा फोन आ जाएगा ना तो तुम कहोगे ले बहन थोड़ा सा दे दे, ले बहन थोड़ा सा दे। और ये ऐसा कह रही है, कल अच्छा तूने कितनी देर फोन चलाया खुद बता दे। मैंने 2 मिनट चलाया सिर्फ। 2 घंटे फोन नहीं चलाया इसने? भाई क्लिप देख लेना कल वाले ब्लॉग में, इसने बोला कि आपका चैनल ग्रो करे ये वो, दुआ दी। और वैसे भी यार मैं जेब में ही तो पड़ा रहेगा फोन, इससे दे दिए चलाना। इसने पूरा नेट खा गई, ऐसे खा रही है नेट। और कौन सी गाने पर डांस सीख रही थी? वो आइला रे मैया वो अलग ही गाना था, मतलब बंगाली सॉन्ग था, मेरा फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। भैया इसमें बंदूक निकली है? बंदूक नहीं है वो, माइक है, बेकार मत कर देना। तो चलो फिलहाल मैं कहीं जल्दी से निकलते हैं, परसों के लिए टाइम भी बहुत हो गया। बुल्ला पास्ट सो गाइस हैंडल पाइप एंड चाबी भी ले लिए, तो करते हैं ओपन अपना वर्कशॉप एंड चेक करो। में आप अपने को टूल टाल वगैरह सब सेट करने पड़ेंगे एंड सबमिट पड़ेंगे, यानी कि साफ करके लगाने पड़ेंगे। बाकी रैंप पे भी कपड़ा मार लेते हैं एंड जो ये यहाँ पे ये बाइक खड़ी हुई है उसे यहाँ पे लगाएंगे एंड उसके बाद में बाइकों में काम करना स्टार्ट करेंगे। बाकी अपनी ये वाली बाइक है ना, इसे पूरी खोल दूंगा भाई, इसका एक एक पार्ट अलग करने वाला हूँ मैं। मस्त क्लीन कर दिया भाई, क्या लग रहा है ना, आप चेक करो भाई। अभी फिलहाल में अपने स्टैंड वगैरह यहाँ पे लगा दिए क्योंकि अभी झाड़ू वगैरह लग जाएगी, उसके बाद में मतलब अपनी जो की बाइक आई है सर्विसिंग वाली वो लगाएंगे। जो भी काम करो मन से करो, वरना मत करो। सो गाइस अभी फिलहाल में मैं जा रहा हूँ सुमित सर के लिए राइस लेने के लिए, फ्राई राइस। भाई बॉस ने पता है लंच नहीं किया अभी तक, मैंने बॉस से पूछा, बॉस ने बोला हाँ राहुल चल ले आ जाके, तो अभी बॉस की गाड़ी से ही जा रहा हूँ बॉस के लिए राइस लेने के लिए मार्केट में। करो भाई यहाँ पे जितने भी पेड़ वगैरह मतलब लगे हुए थे ना सब कट चुके हैं, जैसे कि इस साइड में भी आप क्या करो एंड इस साइड में भी जितने भी पेड़ थे ना भाई सब काट दिए। अब बस मेरा कहना ये है कि भाई तुम लोग पेड़ों को क्यों काट रहे हो यार, पेड़ से ही की वजह से ही तो हम जिंदा हैं यार। अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हम क्या कद्दू जिंदा रहेंगे यार? पता नहीं क्या लोग मतलब पेड़ को ऐसे काट दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं पेड़ को काट काट। भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तुम्हें, बीमारी आजकल इतनी क्यों हो रही है, अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिस वजह से हो रही है। तो भाई हर चीज़ को टेक्निकली सोचो प्लीज़, पेड़ मत काटो, पेड़ जितने लगा मिलने लगाओ। एंड इस साइड में भी देखो सब कट रहे हैं और यहाँ पे अपना दोस्त, हाँ कहाँ यार सुमित सर के लिए राइस लेके आया हूँ, सुमित सर कह रहे जल्दी आ यार। सो गाइस रात के 10 बज चुके हैं एंड फिलहाल में अभी मैं आया था बिंदल होंडी के जस्ट सामने के लिए एंड यहाँ पे एक अपने जो दीपक भैया काम करते हैं उनकी गाड़ी में मतलब छोटे सी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी, तो वही गाड़ी अभी मतलब ठीक करने आया था मैं, चला गया था घर, घर से वापस आया हूँ यहाँ पे एंड फिलहाल में चेक करो भाई। तो फिलहाल में ये वाली गाड़ी है ना मस्त स्टार्ट कर दिया, जैसे कि इसमें जो सेल्फ रिले आती ना जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, बस वही थोड़ा सा मसला था उसी को मैंने टच करने के बाद स्टार्ट हुई, तो जल्दी से वर्कशॉप पर खड़ी करते हैं एंड उसके बाद में मिलते हैं। सो गाइस गाड़ी भी अपनी वर्कशॉप पे खड़ी कर दिया एंड फिलहाल में लाइट वगैरह सब कुछ गुल हो चुकी है, गुल क्या बंदी कर दी है यार, एमसील वगैरह सभी गिरा दी है। और चेक करो भाई कोई भी नहीं है यार। सोचो गाइस यार इसी वजह से ब्लॉग थोड़े लेट हो जाते हैं मेरे, कभी डाल पाता हूँ कभी ब्लॉग नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता यार, करें तो करें क्या, जॉब भी तो करनी है यार, घर भी तो चलाना है, बस यही है यार, बहुत टेंशन है यार। तभी तो कह रहे स्ट्रगल करो, जितना स्ट्रगल करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, कम उम्र है ना तो कम उम्र से ही स्ट्रगल करो आप सभी। देख रहे हो गाइस यार इतना टाइम हो गया फिर से यार वर्कशॉप अपना ओपन करना पड़ेगा यार, करे भी तो करेगा यार। चार्जर रह गया भाई साहब अंदर, और चार्जर मुझे जरूरत है नहीं, चार्जर चाहिए बॉस को यार मेरे।